देखिए हिमाचल को आपदा के लिए अभी कुछ नहीं मिला है। जो बजट आया है उसमें जो हमारा आपदा के बाद PDNA होता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो हम उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन जो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है उसके साथ उत्तराखंड के नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है, उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंस देने का वर्ड्स लिखा है, जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंस वर्ड्स लिखा है। सेम ही अगर लिखा होता तो पता लगता कि क्या है, उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द है। पर हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपये का भेजा, वो हमें मिले, वो इसके अलावा मिले। इसका इसके मायने क्या मतलब निकाल रहे हैं? ये अभी इसका डिटेल आया नहीं, मैंने पढ़ा ही है, पर उसमें दो वर्ड्स में तो डिफरेंस आ गया कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई PMGSY के तहत रोड आएगा उसको वो दे देंगे, कोई प्रधानमंत्री आवास के तहत रोड आएगा उसको दे देंगे, लेकिन असिस्टेंट्स होती तो उससे हमको डायरेक्ट पैसा उन चीजों से लड़ने के लिए आता। क्या मतलब भेदभाव? भेदभाव ही है जब क्या मतलब मजबूत आंध्र और बिहार को लेकर, आंध्र और बिहार में उन्होंने जो सरकार के साथ उनका समझौता चलाने के लिए उस आधार पर उन्होंने पैसा दिया होगा। अब ये तो अभी पूरी तरह मैंने बजट देखा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जब इसका पूरा इंटरप्रिटेशंस आएगी, जब तक इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हिमाचल की रेलवे लाइन को क्या मिला। कई लोगों के सपने थे जिनको सोचते थे कि बिलासपुर से ले रेलवे लाइन जाएगी, उसमें क्या मिला। हमीरपुर से उन्ना रेलवे लाइन के लिए क्या मिला, ये सब चीजों को हम देख रहे हैं। सर, आपदा को लेकर आपने बातचीत की होगी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, उस टाइम क्या आपको? नहीं, आपदा के लिए मैंने बात की थी और उन्होंने अश्योरेंस दी थी। अब उस मामले में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी बजट में उल्लेख हुआ है, तो ये जो उल्लेख हुआ तो हमारी समझ के अनुसार ये जो हमारे बजट में जो चीजें आती है PMGS उसका किया है, लेकिन और स्टेट को असिस्टेंट की बात की है, तो असिस्टेंट का मतलब है कि उनको सहायता मिलेगी। हमको जो मिलेगी जो बजटरी सहायता है वो तो मिलनी है, वो तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको देंगे। तो हिमाचल को कोई कुछ नहीं, अभी तक बजट में हमको कुछ नहीं मिला है और ये बड़े खेद की बात है कि हिमाचल की इस बजट में अनदेखी हुई है।